मौत होने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख की आर्थिक मदद व निराश्रित बच्चों के पालन पोषण व प्रतिमाह भरण पोषण राशि देने के संबंध में घोषणा की गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने एमपी की सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष ने मौत के आंकड़ों को गलत बताया है, साथ ही आंकड़ों को शमशान समिति से लेकर राशि वितरण करने की बात कही है। इसी तरह भरण पोषण के मामले में भी एक ठोस नियम बनाने की बात कही, जिससे भविष्य में सरकार बदलने या अन्य कोई परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जिससे कि उक्त परिवारों को भरण पोषण राशि न मिल सके, ऐसी स्थिति के लिए भी विशेष कानून बनाकर यह प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके, इसके लिए उन्होंने मांग की है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा कई घोषणाएं की जाती है मगर बाद में धरातल पर कोई भी ठीक ढंग से काम करती हुई आज तक दिखाई नहीं दी है, इसलिए सरकार जो भी घोषणा करे उनका धरातल पर सख्ती से पालन भी करवाए ताकि आमजन को आसानी से योजना और घोषणाओं का लाभ मिल सके। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी है कि अभी कोरोना के संक्रमण के समय जिस बच्चे के अगर माता पिता दोनों शांत हो जाते हैं या दोनों में से कोई भी एक शांत हो जाता है तो उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पहली से लेकर उस शिक्षा तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है, परंतु यह क्लियर नहीं करा है कि यह योजना केवल शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही है या प्राइवेट स्कूल जो हैं उन लोगों को भी बंधनकारी होनी होगी। वो मेरा तो ये मानना है कि यह योजना सभी स्कूलों के भले शासकीय हों अशासकीय हों सबको इसका पालन करना चाहिए। मैं योग से आपने पूछा तो बता दूं, व्यासबाल मंदिर बघाना में एक स्कूल है, उसका ट्रस्ट है, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। हमने यह योजना कई सालों से चालू कर रखी है कि जो अगर बच्चा अगर हमें यह विश्वास दिला देता है, डेथ सर्टिफिकेट हमें दे देता है, तो उसको पहली से लेकर दसवीं तक हम निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराते हैं। तो ये योजना सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों में होना चाहिए। जैसे सर, अभी मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया शिक्षा को लेकर, उनका कहना है जैसे इसमें गरीब बच्चों के जो पढ़ते हैं तो उनके परिजन के सक्षम नहीं हो पाते तो उनको सरकारी में भेजते हैं, और जिनके परिजन सक्षम होते हैं तो उनको प्राइवेट में भेजते हैं। तो जैसे अगर प्राइवेट में जिनके परिजन बच्चों को भेजते हैं, अगर उनके परिजन में से किसी की डेथ हो जाती है तो फीस भारी भरकम रहती है प्राइवेट स्कूल की, तो भरने में दिक्कत आती है, तो क्या उनको भी इस गाइडलाइन के अनुसार लेना चाहिए सरकारी वाली? बिल्कुल, अगर इस गाइडलाइन से योजना चालू होगी लागू होगी तो ही लाभ मिलेगा, क्योंकि कई पालक हमारे अपने बच्चों को शासकीय स्कूल के बजाय जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो ये योजना दोनों के लिए लागू होना चाहिए।